यस डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बच्चों को परेशान करते हैं। आपसे कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज़ इंक्रीज बाय 100%, देन बाई वॉट परसेंट इट्स एरिया इज़ इंक्रीज। ट्राइंगल्स में आएंगे, रेक्टेंगल्स में आएंगे, क्यूबॉइड्स में आएंगे, वॉल्यूम में आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आप अलग तरीके से करते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैथ्स जो है बहुत सिंपल होना चाहिए। आपसे कह रहे हैं, ये सर्कल है, आपने इसकी ये रेडियस है, आपने इसका रेडियस 100% इंक्रीज़ कर दिया। तो 100% इंक्रीज़ करने से ये आपका सर्कल हो गया। तो आपसे कह रहा है, एरिया में चेंज किन जाए, व्हाट बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया इंक्रीज़, कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि अगर हम ये मान लें कि सपोज़ करो रेडियस 10 था, तो एरिया हो गया बेटा जी पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 100 पाई। समझ में आ गया आपको? आप कह रहे हो आपने रेडियस को 100% इंक्रीज़ किया, तो रेडियस था 10, इसका जो 100% होगा वो भी 10 होगा। तो अब जो न्यू रेडियस होगा वो 10+10 हो जाएगा सर जी, कितना 20। तो अब जो होगा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 पाई। तो पहला एरिया 100 पाई था, अब हो गया 400 पाई। अगर आप चेक करेंगे 300 पाई इंक्रीज़ हो गया। तो एक तो आंसर यही है। उसने पूछा नहीं परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया इज़ इंक्रीज। तो देखो परसेंटेज कितना निकालते हैं, कितना इंक्रीज़ हुआ, कितने पे हुआ, बेस कितना था, पहले कितना था 100 पे, इंटू 100। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, कितना है, कितने में से है, इंटू 100, दैट इज़ परसेंटेज फार्मूला। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटे, 100 से 100 हो जाएगा, तो 300% हो जाएगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। अगर ये पूछता है कि कितने परसेंट एरिया इंक्रीज़ हुआ, तो 300% इंक्रीज़ हुआ, लेकिन कितना परसेंट हो गया, तो वो 400% हो गया, 4 times। तो ये हमारे पास है, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए हमारा 300%। एक छोटा सा क्वेश्चन और है।